कह रहा है कि कोरोना में आदमी मर रहा है, कोरोना में आदमी मर रहा है, काम के बिना मर रहा है। अब बताओ घर से कितना मेहनत से गाड़ी भाड़ा जुटा के अपने पास में पैसा जुटा के गए थे वहाँ पे कि कुछ काम मिलेगा, वहाँ गए तो काम खत्म। कह रहा है माल ही नहीं बिक रहा, सप्लाई नहीं हो रही, सारा भोसड़ी के सब काम बंद कर दिया है कोरोना में। कोरोना 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 में इतना हाहाकार है, घर के लोग जानेंगे कितना लाख कमा के आया होगा, यहाँ तो एक कौड़ी मुहाल है। लो 5 रुपया तो है पास में, लो खरीद लो दे। सुनो लो 5 रुपया जहर ले आओ खरीद के, तुम भी खाओ हम लोग भी खा ले। अरे भैया कमा के आए हो तो कनवा के पैसवा मिली। अरे भैया क्या करें, कमाई धमाई कुछ हो नहीं रही है, कोरोना में सब बंद है, घर से पैसा जुटा के गए थे कमाएंगे, वहाँ एक कौड़ी की कमाई नहीं हुई, समझ जाइए जो घर का पैसा था ना वो भी साला खा कर आए। सुनते हैं जी बचवा को तो बहुत तेज बुखार है। टेंशन टेंशन टेंशन, घर में इतना टेंशन, नमक तेल कॉपी किताब, ऊपर से बीमारी, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं है। काम खोजने जाओ काम ही नहीं है देश में, कोरोना से आदमी मर रहा है, नहीं कोरोना के चलते काम बंद हुआ है उससे आदमी मर रहा है। टेंशन इतना कर रहा है, इससे तो बेहतर है कि साला ही घर को छोड़ दें या फिर कहीं कुएं में कूद के जान दे दें। अरे भैया ये जानते हैं क्या है, ये बथुआ है, किसान इसे घास समझकर फेंक देते हैं लेकिन हम इसी से साग बनाते हैं, और जो सरकार देती है जो राशन देती है उसी से हम साग भात रोटी भात बनाकर खा लेते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को छोड़कर आत्महत्या नहीं करेंगे, हमारा परिवार अनाथ हो जाएगा। अगर हो सकता है कोरोना का दौर है 2 महीने में ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आत्महत्या करने वाले नहीं है, इसी तरह जी लेंगे हम। अरे भैया हम मन में कैसन कैसन बात सोच रहे थे, अब कबो आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेंगे। कृपया मेरे YouTube चैनल मेरी सोच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।